The good thing is it's a woman who's doing it. It's not a man who's on the bike doing the same thing. Gents होते हैं police officers तो उनसे help मांगने में थोड़ा सोचते हैं. But अगर ladies police officer मिलेंगी तो बहुत अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं. अपने problem समझा पाएंगे. How does it matter that if women police are on bikes? I understand that they should exist, women police should exist, but they going around on bikes patrolling is going to provoke people more, I feel. Yeah, obviously, because there's so many places like the lanes and all where Delhi police, it is not accessible for the cars. So yeah, I mean, people can, you know, the bikes, and that might help for the security. बिल्कुल crime कम होगा. Actually, जैसे कहीं पर भी अगर छेड़छाड़ किसी के साथ अगर ऐसा होती है तो वो सब रोका जा सकता है. Yeah, it's a progressive, it's a bold move. Like if the woman is monitoring it now, so the complainant or the victim, she herself feels empowered and it's easy for her to approach. Crime के लिए ये हो सकता है कि लोगों को ये डर लगना लग पड़े कि शायद अगर मैं जिस गर्ल को छेड़ रहा हूँ या स्टॉक कर रहा हूँ वो पहले से ही कुछ डिफेंडिंग आर्ट है उसके पास या कुछ, तो वो उस वजह से कुछ लोगों के मन में डर हो सकता है जो कि क्राइम करने वाले हैं. हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो, या फिर दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट्स फाइन. हाँ हाँ, सही किया. वुमेन्स को भी तो चाहिए ना अपनी प्रोटेक्शन. या इट्स ओके, इफ दैट वुड हेल्प देन इट्स गुड. दे शुड बी इक्विप्ड वेल सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. AK-47 इज अ वेरी मैसिव वेपन. नहीं, इतना तो नहीं, ये तो हमारे पुलिस वालों के पास भी नहीं है. तो हाँ, छोटा कोई सेल्फ डिफेंस के लिए छोटा पिस्टल वगैरह दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक AK-47 हाँ दे देनी चाहिए, क्यों नहीं, अच्छा है. बट ऐसा कुछ नहीं है कि यूज़ होगा बट डराने के लिए, एक्चुअली सब होना चाहिए.